आपसे खुद से तीन सवाल पूछने हैं। आपके पास क्या है प्रेजेंट में? मेरे पास जो वर्थ है, मेरे पास मतलब आपके पास जो नौकरी है, जो घर है, जो बच्चों की एजुकेशन है, जो बैंक बैलेंस है, जो सारी चीज़ें हैं, जो हिसाब किताब है, जो सारी चीज़ें, वो क्या है? क्योंकि कई लोग ना प्लान दिखाते हैं तो बहुत इतराते हैं, कई लोगों को ना काम करने के लिए इतराते हैं। तो या तो इतना हो, इतराने लायक हो कुछ हिसाब किताब, या फिर ये है कि फिर नहीं है तो फिर इतराने लायक बना लिया जाए, है ना जी। तो आपके पास क्या है, आप क्या चाहते हैं, हमारी विश और ड्रीम्स क्या हैं, और उसको अचीव करने के लिए मैं क्या त्याग कर सकता हूँ। ये तीन चीज़ें अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो टारगेट भी फाइट होगा और आप डायमंड भी जरूर बनेंगे, क्योंकि आदमी उसी के हिसाब से अपना माइंड सेट करता है और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करता है। यस और नो? तो डिजायर हमारी है, लेकिन उसके लिए डिजर्व करने के लिए ये तीन चीज़ों को अगर आप रिप्लाई अपने आप से दोगे तो डेफिनेटली आप काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। चार तरह से हमको अपने आप को तैयार करना है। एक तो मेंटली रेडी करना है, चार तरह से रेडी करना है। एक तो मेंटली रेडी करना है कि जब मैंने डिसाइड कर लिया बिजनेस को करने के लिए, तो बिजनेस को करने के लिए जैसे यहाँ पर एक अभी सर आए 58 साल में 2 महीने कम के लिए, राठी साहब, तो उन्होंने वो विद फैमिली काम कर रहे हैं। तो जब कर लिया तो कर लिया, डिसाइड कर लिया तो कर लिया, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, तो उसके लिए फिर विद फैमिली काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बिजनेस तो भरोसे से, खुद के भरोसे से चलता है, कि दूसरों के भरोसे से नहीं चलता। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जब तक यहाँ से भरोसा ना हो इस बिजनेस में किसी को फंसाना मत, और जब तक ये जिस दिन यहाँ से भरोसा हो जाए तो फिर किसी को छोड़ना भी मत। इसीलिए मेंटली रेडी कर लेना है, मेंटली। 14 साल का वनवास मिल गया प्रभु को तो चल दिए, तो चलने के बाद बंदर मिले, भालू मिले, बिल्ली मिले, लोमड़ी मिले, सबको सेट करना ही, फिर क्या करें? जो या तो हमारी डाउनलाइन भर्ती हो जाओ, नहीं तो फिर निकल लो पतली गली से, दो में से एक करना है। तो मेंटली रेडी हो गए, जंगल बनवाना उसको उन्होंने करना था, मेंटली मैं रेडी हो गया कि मैं डायमंड के शिखर पे चल पड़ा। तो चल पड़ने के बाद में कोई हाँ बोले, ना बोले, या बोले, वाह बोले, क्या का फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? सब तरह के मिलेंगे, ये दुनिया है, लोग हैं, और लोग हर तरह के, हर नेचर के रहते हैं, सबकी जरूरतें, सबकी चाहते हैं, सबकी भी सलाह लगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, कोई आपके साथ आएगा भी, कोई नहीं भी आएगा, तो फर्क क्या पड़ता है? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, क्या फर्क पड़ता है? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, भीड़ भरी पड़ी है, और आपको आपकी जैसी सोच के लोग, आपकी जैसी चाहत रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है। एक दिन आएगा कि जो लोग आपको मना कर रहे हैं वही लोग आपकी डायमंड शिप के जश्न में सेलिब्रेट कर रहे होंगे और नाच रहे होंगे और झूम रहे होंगे। वो आपको डिसाइड करना है। तो मेंटली अपने आप को तैयार कर लेना है कि मेंटली मुझे करना क्या है। अगर मेंटली डिसाइड कर लिया तो टारगेट भी फाइट होगा, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे भी, प्लानिंग भी बनाएंगे और सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिजिकली जब मेंटली आप रेडी हो गए तो फिजिकली भी आप मेहनत करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप डेली का टास्क लेके चलोगे कि मुझे हर हाल में, जो लोग भी यहाँ पर फ्रेशर और सिल्वर हैं, फ्रेशर और सिल्वर को सिस्टम के मुताबिक कम से कम 10 लोगों से डेली मिलने का टारगेट पूरा करना है। जो लोग टारगेट फाइट करना चाहते हैं, फ्रेशर और सिल्वर 10 लोगों से डेली मिलो, ईच वन टच 10। ये जरूरी नहीं है 10 प्लान दिखाओ, आप 10 फॉलोअप कर दो, जरूरी नहीं है 10 फॉलोअप करो, आप 10 डाउनलाइन से मिलके उनकी FIM करो, सेट करके आओ, ग्रुप मीटिंग करके आओ। आप 10 से डेली मिलना ही है, टच करना ही है, और जो गोल्ड और पर्ल हैं उनको कम से कम 20 लोगों से मिलना है। कितने लोगों से मिलना है? 20 लोगों से मिलना है जो गोल्ड है, पर्ल है, क्योंकि वो ग्रुप मीटिंग अच्छी कर सकते हैं। बाइक पे दौड़ दौड़ के 20 लोगों से मिलने का संकल्प अगर आपने किया तो एक सप्ताह में एक गोल्ड लीडर 140 लोगों को कवर करेगा, और 140 लोगों को कवर करने का मतलब है उसकी ट्रेन जो है वो राजधानी की स्पीड से दौड़ने वाली है, बुलेट ट्रेन की तरह से दौड़ने वाली है। तो हर दिन लोगों से मिलने का संकल्प पूरा करना है। कई बार बिजनेस में आपके साथ में अप डाउन आएंगे, कई बार बिजनेस वैसा नहीं चलेगा जैसा हम चाहते हैं, कई बार एक ही लेग चलेगी, कई बार एक भी नहीं चलेगी, कई बार दोनों चलेंगी, कई बार दोनों नहीं चलेंगी, कई बार एक चलेगी एक नहीं चलेगी, ये बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होता है, लेग चलने से मतलब नहीं होता, लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे साथ जो किस मेंटेलिटी का व्यक्ति काम कर रहा है, हमारे साथ किस कमिटमेंट का लीडर काम कर रहा है। जिसका कमिटमेंट ज़्यादा होता है वो लेग ज़्यादा चलती है, जिसका कमिटमेंट कम होता है उसको लेग कम चलती है, ऐसे ही तो होता है। जिधर लीडर ज़्यादा होते हैं वो लेग ज़्यादा चलती है, जिधर कम होते हैं वो कम चलती है। तो फ़र्क क्या पड़ता है? जब जो चलना शुरू हो गई वो भी तो हमारे बाद शुरू हुई है ना, जो चलना शुरू हुई है लेग, वो कब शुरू हुई? आपके आने के बाद हुई या आपके आने से पहले शुरू हो गई थी? आपके आने के बाद जब वो शुरू हो सकती है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ समय आपने दिया, कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ मेहनत की, तो जब वो शुरू हो गई, कुछ और करोगे तो ये भी शुरू हो जाएगी और ये भी धड़ल्ले से चलना शुरू हो जाएगी। ये तो माइंडसेट की बात है, अपने आप को तैयार करके रखना है। और आपको आपके जैसे पैशन के लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन पैशन वही बरकरार रखना है जो वो वाली लेग चलाते समय आपका पैशन था।
क्या होता है, पैशन में अंतर आ जाता है। यहाँ जब शुरुआत आदमी करता है फ्रेशर लेवल पे होता है, दिमाग में कुछ होता नहीं, दिमाग खाली होता है, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए यहाँ से तैयार रहता है और बहुत ही पैशन के साथ काम करना शुरू करता है और उसको इसकी एक लेग चल जाती है। लेकिन एक लेवल मिलने के बाद में वो पैशन कम हो जाता है, तो इसलिए दूसरी लेग लड़खड़ाती है। उसी पैशन के साथ काम करेंगे, वो लेग भी आपकी दौड़ना शुरू हो जाएगी। तो इमोशनली अपने आप को रेडी रखना है, तैयार रखना है। कई बार आपकी टीम में आप टारगेट फाइट होगा, आपका नहीं हो पाएगा, कई बार आपकी एक लेग चलेगी, एक लेग नहीं चलेगी। इन छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करेंगी, लेकिन हमें हर हाल में क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, तैयार रखना है। और फोर्थ है स्पिरिचुअली, ये बिजनेस हम जो कर रहे हैं अपने भले के लिए कर रहे हैं और हमारे भले होने के साथ साथ दूसरों का भी भला इसमें होना लाजमी है। बोलो हाँ कि ना। आप डायमंड बनोगे तो किसी न किसी घर में रूबी कोई बनेगा ही बनेगा, किसी न किसी घर में खुशियाँ आएंगी आएंगी। तो आप आध्यात्मिक दृष्टि के हिसाब से भी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। तो जहाँ से सारी चीज़ें हमारी अगर सेट हो जाती हैं तो हम बहुत बड़ा बिजनेस और व्यापार खड़ा कर सकते हैं।